हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एल्जाम दी और आज बात करेंगे हम द फ्यूचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की विशेषता, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यार, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप टाइम से देख सकें। देखो चलते हैं, तो ये जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट में भारतीय विरासत और संस्कृति और विश्व इतिहास और भूगोल समाज के अंतर्गत आएगा भी ये भारतीय समाज की विशेषता फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अच्छा, समाज होता क्या है? समाज है परिवार का समूह होता है, परिवार से परिवार का समूह से बनता है समाज बनता है, और परिवार व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है जिसका निर्माण विवाह जैसी प्रक्रिया से होता है। विवाह क्या है? विवाह जो लैंगिक संबंधों की सामाजिक या कानूनी स्वीकृति या दोनों, जो कानूनी और जो सामाजिक, जो कानूनी स्वीकृति और सामाजिक स्वीकृति दोनों को प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे विवाह कहते हैं। मैं देखो फिर आगे समाज के बारे में। अच्छा, ये जो है अब समाज से रिलेटेड कुछ जो शब्द हैं जैसे जाति वर्ग सुनने को मिलते होंगे, जैसे शहर में श्रमिक मजदूर वर्ग, उद्योगपति वर्ग, फिर जाति की बात करते हैं। तो भारतीय समाज की है एक विशेषता वही बात पाएगा जो वही समझ पाएगा जो भारतीय समाज की विशेषता जो भारत के भारत से जो बाहर जाकर उसकी तुलना करे, मतलब उसकी जो थिंकिंग है वहां से जो तुलना, अगर दोस्त भाई किसी चीज की इम्पोर्टेंस का पता लगा पाते हैं हम जब जो उसकी कंपैरिजन दूसरे से करते हैं। यदि हम चीन जाए और वहां पर जो रंग रूप वेशभूषा बहुत जो वेशभूषा से और जो सभी एक जैसे लोग नजर आएंगे, खान पान से संस्कृति को परंपरा का जो सारी ये चीजें एक जैसी लेंगे चीन की ओर, चीन हो यहाँ तक जो कहेंगे कि हम जो दो लोग भी पहचान नहीं सकते, यहाँ तक कि ऐसा हो सकता है ना दो दो लोग जैसे वो हम ही अब जो इधर चले जाए अपने भाई नागालैंड या सिक्किम वगैरह में तो वही थोड़े से टच है इससे, तो वहाँ पे असम वगैरह से असम हुआ मेघालय ये जो तो उनकी संस्कृति का इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पे तो हम उनको दो लोगों से भी पहचान नहीं पाते आपस में। यदि फ्रांस जाए और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम महसूस नहीं किया आज तक, जो महसूस नहीं किया वहाँ पे ऐसी चीजें, हम भारतीय समाज को तभी समझ पाएंगे जब हम किसी दूसरे की उसकी तुलना करते हैं, दूसरे से तुलना करते हैं। विविधता में एकता, फर्स्ट जो भारतीय हमारा भारतीय है इसमें जो ये है विविधता में एकता निरंतरता, इसके जो ये विशेषताएं है ललीचापन और लचीलापन है, और जो एवं सहिष्णुता ग्रहणशीलता एवं अनुकूलता, अध्ययन अध्यात्मिकता भौतिकता का समन्वय और प्राचीनता एवं स्थायित्व, ये जो भारतीय समाज की विशेषता है। अच्छा, विविधता में एकता जो पहला क्या, पूरे भारत में दाल है जैसे समझ इसका एग्जांपल से तो समझते हैं, दाल है चावल है खिचड़ी है पकवान मिलेगा वो पूरे भारत में मिलता है, परंतु उसे बनाने का तरीका अलग अलग होता है, कहीं कैसे बनाते हैं कहीं कैसे बनाते हैं। यदि हम जापान चीन और नेपाल की बात करें तो भारत में, लेकिन उस अमरीका का नहीं, क्योंकि अमरीका में जो लोग हैं जो आते बसे वो मिक्स हो गई है जो वहाँ की जो कल्चर जो है, जो तो यहाँ पे मिक्स होगा तो, लेकिन वहाँ पे इस तरह का नहीं मिलेगा, वहाँ पे चीन में एक तरफ से दूसरी तरफ तो एक ही मिलेगा इस तरह की उसकी कल्चर वो कस्टम को फॉलो करते मिलेंगे। वहीं जो जर्मनी में है नॉर्थ जर्मनी से साउथ जर्मनी तक जो एक ही चीज बनाने का एक तरीका होगा, कोई चीज बनाएंगे तो एक ही तरीका बनाएंगे। भारतीय समाज में खूबसूरती है कि चीज को एक, भारतीय समाज की कितनी खूबसूरती चीज है, एक चीज को बनाएंगे लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बनाएंगे, अलग अलग बनाने का तरीका, मान लीजिए खिचड़ी बना ली, किसी ने चावल बना लिया, एक मैंने तो एग्जाम्पल खाने पीने का दे दिया, और निरंतरता। अब जो इसका एक और देख सकते हैं विविधता वाला, विविधता जो भारतीय समाज में जो धोती पहनी जाती है, यूपी में धोती जो कुछ अलग तरीके से पहनी जाती है, पहनने का तो कुछ अलग है भाई, तमिलनाडु केरल गुजरात में धोती पहनने का तरीका अलग हो सकता है, असम में लोगों की धोती पहनने का तरीका अलग है, वहीं पे जो भारतीय समाज में पढ़ते हैं ना विविधता में एकता परंतु एकता, वहीं दूसरे समाज में पढ़ते हैं कि भाई विविधता में, वहां पे दूसरे समाज में क्या अलगाव है, अलग अलग चीज है, मतलब विविधता है अलग, मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक ही, लेकिन अलगाव है वहां पे एकता नहीं है, अलग एक झलक देखने को नहीं मिलती। प्रकृति, तो प्रकृति में वही चीजें स्थायी है, प्रकृति में देखो हमें जो हमारे नेचर में वही चीजें स्थायी रहती हैं जो जो विविधता होती है, यदि विविधता नहीं है तो वह स्थायी वाला है। अच्छा, निरंतरता सेकंड वाला है। भारतीय समाज में सहिष्णुता, भारतीय समाज में इतने समय तक जो इतनी वैरायटी होने के बाद भी इसमें जो चाइनीज जैसे खाने को हमने इटालियन खाने को जगह दी, अपनी बर्गर को भी जगह दिए, ये जो सहिष्णुता है मैंने प्रत्येक भोजन को जो चखने का हमने जो लुत्फ उठाया है जो निरंतरता। नेक्स्ट हमारा लचीलापन या सहिष्णुता,
इसमें सहिष्णुता, इसमें जो सहन करने की क्षमता था, जो टॉलरेंस, हर जो हर समाज जैसे भाई ये सड़कें हैं जहाँ में फंस गए तो हम जो सहन कर सकते हैं, तो ये नहीं कि नहीं जो भाई जो सहन करने की, तो अपने अनुकूल को ढालने की जो एक तरह से सहन, जो सहनशीलता इसमें आती है सहनशीलता। नेक्स्ट है हमारा ग्रहणशीलता एवं अनुकूलता। आध्यात्मिकता भाई कहीं से भी सीखने की, कहीं से भी कोई भी चीज़ होती है हम सीख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि चाइनीज खाना है या फिर और भी चीज़ें सीखते हैं हम, तो ये सब इसी में आता है। नेक्स्ट आता था हमारा आध्यात्मिकता भौतिकता का समन्वय है। भारतीय समाज में जन्म मृत्यु कर्म कांड को अभी छूटे नहीं है, मैं जो हम जैसे जन्म के समय जो हमारे जो कल्चर कस्टम है जो हमारे जो हम फॉलो करते हैं उसी कर्म अनुसार करते हैं जो अभी भी, वहीं प्राचीन का अस्तित्व है जो जैसे और देख सकते हैं जैसे मुस्लिम समाज में जो वहीं पे हिंदू में जो रोजे चल रहे हैं अभी सपोज को, और जो अभी इससे पहले वो भी चल रहे थे हिंदू धर्म में, नवरात्र भी चल रहे थे, दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो इस बात के अंदर सहिष्णुता का मतलब होता है स्वीकार करने की क्षमता, दूसरों को सम्मान देने की ताकत। भारत में इतनी देवी देवताएं हैं लेकिन विविधताएं को देखने को समझ में ग्रहण किया है, क्योंकि हमारे देश में विविधता इतनी है तो बोर्ड भी अलग अलग होंगे, विश्व में सहिष्णुता जो भारत से सीखनी चाहिए। अच्छा विविधता में एकता, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। तो इसमें जो जातिगत, तो ये इंग्लिश वर्जन भी है देखो, कंटिन्यूटी जो यूनिटी ऑफ द डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस जो देख सकते हैं इसका इंग्लिश वर्जन, स्पेशलिटी ऑफ द मेंटेलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, एंटीक्विटी और द ड्यूरेबिलिटी, विविधता में एकता, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। जातिगत, धर्म, जो धर्म संप्रदाय संस्कृति विभिन्न होने के बावजूद एकता की भावना देखने को मिलती है यहाँ पे, जो विभिन्न प्रकार के धर्म मैंने बताया, रोजों की बताया कि रोजे जहाँ पे रोजे है वहीं पे जो अभी दूसरे धर्म में हमारे जो हिंदुओं में अभी नवरात्र चल रहे थे तो सब जो अलग अलग देखने को मिलती है। बहुत जो भौगोलिक अहम विरासत जो विविधता के बावजूद जो विविधता में एकता है यहाँ पे, विविधता डाइवर्सिटी, लोगों के बीच में धर्म भाषा खान पान रहन सहन आदि के आधार पर जो पाई जाने वाली विभिन्नता को बोलते हैं डाइवर्सिटी बोलते हैं। डिफरेंस फाउंडिंग अमंग द पीपल्स ऑफ द बेसिस ऑफ द रिलीजियंस एंड लैंग्वेज स्पोर्ट्स एंड द लाइफस्टाइल्स ईटीसी दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी। भारत में विविधता, भौगोलिक विविधता के जो टाइप्स हैं, सांस्कृतिक विविधता होती है, राजनीतिक विविधता, जो प्रजातीय विविधता, धार्मिक विविधता, सामाजिक विविधता, भाषा विविधता और जातीय जनजातीय विविधता, ये प्रकार है डाइवर्सिटी होता है। जियोग्राफिकल, कल्चर, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, फिजिकल और जो रिलीजियस, सोशल, लिंग्विस्टिक्स, ट्राइबल्स, डाइवर्सिटी, ये भौगोलिक विविधता। देखो कहीं पे जैसे सपोज करो यहाँ पे मोनिसलान में सबसे ज्यादा बारिश भी इंडिया में होती है, सबसे ज्यादा जैसे मान लिया सूखा भी एक तरह से, मतलब सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते लेकिन हाँ बहुत बहुत तरह से बहुत बड़ा है, तो जैसलमेर में पड़ता है, राजस्थान में जो सूखा भी पड़ता है, तो ऐसी बहुत ज्यादा, तो ये जो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसे ये जो इसका कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश भी है, कहीं कहीं गर्मी भी है। और सांस्कृतिक विविधता, कल्चर डाइवर्सिटी, आर्य अनार्थ अनार्य शख्स यूनानी कुषाण हूण पारसी आदि विभिन्न संस्कृतियों में योग से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। तो ये अलग अलग देखने को, मैंने अभी जैसे चावल वाला एग्जाम्पल बताया, अभी चावल एक है लेकिन बनाने का तरीका अलग है, कोई कुछ कोई माने दाल चावल बना रहा है, कोई खिचड़ी बना रहा है, कोई सपोज करो उसकी जो बिरयानी बना रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट और जो अलग बहुत इतने सारे जो तरीके से हम बना सकते हैं उसको। सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक बहुलता के कारण जो बावजूद है विविधता के साथ जो एकीकरण का जो तत्व है इसमें, एलिमेंट एंड द इंटीग्रेशन विद द डाइवर्सिटी डिपॉजिट ऑफ द सोशल रिलीजन एंड कल्चर प्योरिटी। यद्यपि सकारात्मक जो स्तर पर जो भिन्नता किंतु प्राकृतिक एवं मूलभूत तत्वों को एक रूपता है। जैसे पंजाब में भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो समझते हो चलो नोट डाउन करते हो चलिए चीज को, खासकर वो चीजें जो चीजें मैंने बोली है स्टार्टिंग की, ठीक वो जो जैसे कि पंजाब में एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब में बैसाखी, हिमाचल में फुलचैल एच और हरियाणा में सांझी, उत्तर भारत में जो लठमार होली, केरल में ओणम और तमिलनाडु में जो पोंगल, असम में बिहू मनाया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके अलग अलग है, जैसे सपोज करो अभी जैसे कहीं मकर संक्रांति मनाया जाता है तो किसी स्टेट में उसी का नाम अलग है, उसी का नाम जो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए देख सकते हैं। राजनीतिक विविधता, बहुत सारी पार्टियां राजनीतिक से भी हम देख सकते हैं, जैसे कांग्रेस है अभी, जैसे हमारी बीजेपी है, आप आई है अभी, और समाजवादी होगी, बसपा हो गई, इस तरह से बहुत सारी हैं, जो डीएमके है आपका,
ब्रिटिश उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद के जो पहले जो भूभागों पर एक ही वंश का जो शासन कभी नहीं रहा। मौर्य गुप्त जो मौर्य कालों मुगलों के शासन को भी हमने अधिकांश हिस्सों का अवश्य रहा है। यहाँ पर जो संपूर्ण हिस्सा नियंत्रण में नहीं रहा, सबका नियंत्रण में अलग अलग रहा। भारत में सदैव राजनीतिक विविधता का अस्तित्व रहा है कि कहीं पे कहीं थोड़े भी हिस्से उसका भाग है, किसी का उसका, तो इस तरह से तो रहता ही है। वर्तमान में दक्षिणपंथी है, वामपंथी है और जो मध्यम वर्ग की और इस प्रकार की विचारधारा का है कि दक्षिणपंथी जो हमारी जो कल्चर कस्टर को जो फॉलो करे, जैसे दक्षिणपंथी में इसमें आती है जो हमारी बीजेपी है, जो हमारी जो पुरानी परंपराओं को फॉलो करती है, और जो मध्यम वर्ग की जो मिड का जो नई वामपंथी जो नई नई कल्चर कस्टम को फॉलो करे, नई जो अपने जो जितने भी है इनोवेशन उसको जो उसमें जो बिलीव करे इस तरह, और जो मध्यम वर्ग की इसमें जो कांग्रेस आती है, दोनों का जो मिक्सचर होता है। प्रजातीय विविधता क्या होती है, रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जैसे हमारे अलग अलग जैसे मुंबई डिफरेंट डिफरेंट आर्यंस है ये, और ये हो गया जो नेग्रिट्स हो गए, ये जो ये द्रविड़ हो गए, ये सारे जो आए हैं ये अलग अलग तिब्बत यहाँ पे रहते हैं, सारी चीज अलग अलग है। निग्रोटो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीपीय भारत, और मंगोलियन जो पूर्वी भारत में भूमध्य सागरीय पश्चिम उत्तर भारत, और जो नार्डिक जो मध्यवर्ती जो मैदानी भाग उससे जो भारतीय लोगों में निवास करते हैं, कि एक उसमें अलग अलग निवास करते हैं। सपोज करो यहाँ पे भाई एक तरफ जो हमारा क्या है ये जो हमारे तिब्बतियन है, एक द्रविड़ है, एक आर्यन है, इस तरह से एक पहलो ये है, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। अर्थात जो समाज में नया केवल जो प्रजातीय जो समाज में है तो सह अस्तित्व एवं बल्कि जो अनुकूलन गहसीनता का भी उदाहरण है जो ये That is the example of the Indian society, not only the reasonable harmony of the consistence of, but of the adaptance of the receptivity. धार्मिक विविधता क्या होती है, भाई हिंदुज्म है, जैनिज्म है, क्रिश्चियनिज्म और बुद्धिज्म और सिखिज्म और इस्लाम, ये इस तरह से हमारे जो यहाँ पे कल्चर कस्टम है। हिंदू हमारे ये हिंदू को शो कर रहा है जो पूरा जो है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट अदर, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे ये है। सामाजिक विविधता सामाजिक सोशल डाइवर्सिटी सोशल डाइवर्सिटी विभिन्न प्रकार की जो जातीय वर्गीय संप्रदाय इत्यादि का सारस्वत्व में है। एक जाति का कोई भी उपजातियों का जो वर्गों के विभाजित होना। भाषा विविधता भाषा की विविधता जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी ये हिंदी है, हिंदी में हमारा जो 83 जो ये 83 को जो मिलियंस है जो ये बंगाली ये तमिलनाडु ये जो 6.37% और 7.71.1 जो ये मराठी बोलते हैं, यहाँ पे जो 44 ये जो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट हमने दिखा रहे गुजराती जो पंजाबी इस तरह से बोली जाती है, एक हिंदी है जो हिंदुस्तान में जो ये तो कॉमन हो गए, बाकी जो इस तरह की जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं जो हिंदी आर्य भाषाएं हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेजेज है, पाली प्राकृतक मारवाड़ी अपरंच हिंदी उर्दू पंजाबी राजस्थानी सिंधी कमिश्नरी जो कश्मीरी जो मैथिली भोजपुरी नेपाली मराठी डोगरी कुन्नाली नागपुरी कोकनी गुजराती बंगाली उड़िया और असमिया, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होगी लैंग्वेज है। द्रविड़ भाषाएं हैं जो तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ जो गोंडी कुन्नड़ द्रविड़ लैंग्वेजेस हैं, तमिलनाडु जो तमिल तेलुगु मलयालम ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया जो ये भाषाएं हैं, भाषा जो संथाली मुंडारी खासी तिब्बत भर में जो भाषा है नेपाली जो मणिपुरी खासी मिजो ओ मेयर नागा अंडमान जो अंडमानी भाषाएं हैं अंडमानी ग्रेड जो अंडानी उंगे और जारवा जो जनजातीय जो भाषा जाएंगे इसमें जो जनजातीय में जो आएगा उत्तर भारत पूर्वी भारत में जो बकरोल गुज्जर थार बुक्शा जोनसारी भील गोंड जो शोका मीना भाटी भोटिया गिद्दी किन्नौरी खासो जो इस तरह की जातियां हैं, और प्रायद्वीपीय भारत जो रेड्डी संथाल मुंडा कोरवा उरांव कोल बंजारा कोली इत्यादि जो, और दक्षिण भारत में जहाँ टोंड है कोरमा है डोंड है भील है कंडार इनमें जो द्वीपीय क्षेत्र में जो सेंटाली जो ओम जारवा ये जो सैंपेन ये सारी जाति मिलती है। प्राचीन भारत का स्थायित्व क्या है, मिस्र जो रोम में इस तरह की जो इत्यादि जो प्राचीन भाषा था नष्ट हो गई है वहाँ पे जो
किंतु जो भारतीय समाज है वहां पे अपनी जो मूलभूत संस्कृति और के साथ जो एक्शन और भारतीय समाज समाज में परिवर्तनशील है, हमने जो उसके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को जो चेंज कर लिया है। परिवर्तनों में निरंतरता, परिवर्तन निरंतर हो रहा है। भारतीय समाज का विशिष्ट मौलिक गुण है देश काल की परिस्थितियों और अनुरूप जो कार्य और उनमें परिवर्तन का जो समायोजन है। प्राचीन काल में जो बहुविवाह प्रथा थी किंतु वर्तमान में जो एकल विवाह है, क्योंकि पहले बहुत सारी जो शादी करते थे राजा महाराज, अब जो एक से करते हैं, वहीं जो मान्यताओं के और परंपराओं के बजाय जो तार्किकता का जो प्रधानता है यहाँ पे प्रधानता है। लचीलापन है जो सहिष्णुता, भारतीय समाज में जो कठोर नहीं है बल्कि लचीलापन है, यहाँ पे परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए समायोजन करने का गुण है कि हम जो कितनी भी किसी भी चीज है अच्छी चीजों को ले लेते हैं। सभी धर्मों और जातियों के लिए संप्रदाय के लिए सहिष्णुता का प्रेम का भाव है, सभी को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई कोई सा भी हमने धर्म अपनाया हो तो उसको भी ठीक उसकी अच्छी चीज है उसको एक्सेप्ट करो। ग्रहणशीलता एनु अनुकूलता, विदेशी संस्कृति के अच्छे गुणों को अपनाया है जो आत्मसात किया है, जो मैंने भी बताया कि भी खाना ठीक है, चाइनीज को भी ठीक है, उसको भी सब स्वाद चखते हैं, उसको भी देखो बनाना सीखो, इस तरह की सारी मुंगेलों की संस्कृति को अपनाया है हमने। पाश्चात्य जो गुणों और जो शिक्षा प्रणाली को भी अपनाया कि हमने यही सीखी है। जो आध्यात्मिक भौतिक क्षेत्र का जो समन्वय है यहाँ पे आध्यात्मिक वर्तमान में भौतिकवाद के गुण के कारण जो जो मूलभूत जो नैतिक और जो आध्यात्मिक गुणों का भी समन्वय है यहाँ पे। विभिन्न धर्मों और जो संप्रदाय मान्यता और पर्वों त्योहारों की जो अटूट श्रृंखला यहाँ पे वर्तमान में जारी है। विभिन्न प्रकार के धर्म है उनके जो अलग है, जैसे होली है, दीवार है, ईद है, ये सारी जो इस तरह की है ये सब आते हैं। अन्य देशों में इस प्रकार का उदाहरण नहीं है, वहाँ पे पाश्चात्य भी जहाँ भौतिकवाद प्रभाव ही नहीं है, वहाँ पे मध्य भाई यीशु में जो धार्मिक तत्वों का जो प्रभावशील है, किंतु भारत में जो भौतिकवाद का और जो आध्यात्मिक तत्वों का जो समन्वय देखने को समन्वय अस्तित्व में है। भारतीय समाज में परंपरागत विशेषता है जैसे जातिगत व्यवस्था, कर्म कांड के सिद्धांत के मूल्य प्रधानता, संयुक्त परिवार है, संस्कार है, यहाँ पे संस्कार करते हैं जैसे भाई हम जो और ग्राम पंचायत ग्राम व्यवस्था आश्रम व्यवस्था ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। भारतीय समाज की परंपरा की विशेषता है ये यहाँ पे वहाँ पे। और जो जातिगत कास्ट सिस्टम है यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो पूर्णतः जो हनुमान सिंह के पहले क्या है कास्ट सिस्टम हमारा ऐसे नहीं था, पहले जो हमारा उस पे जाति के आधार पे नहीं कर्म के आधार पे था, जो काम करेगा उसके आधार पे रखा था, फिर धीरे धीरे कि नहीं वो उसी में लिखने में जो मेरा बन गया कि मैं पंडित हूँ तो पंडित ही बन जाऊंगा, तो ये इस तरह से मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं सब शुद्ध हूँ तो शुद्ध, इस तरह से ये बाद में चलता चला गया। ऐसे वर्ग को जो अंतर्विभाजन नियमों का पालन करता है जाति कहलाता है, जो अपने जाति जो अंतर जो उसमें जो उसमें जो शादी करता है उसके लिए पालन करता है। वास्तुतः जो जाति जो अंग्रेजी के जो कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो हिंदी रूपांतरण अंग्रेजी कास्ट सिस्टम की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा जो ये जिसका तात्पर्य है नस्ल और भेदभाव से, ये क्या है पुर्तगाली शब्द है जिसका जो अर्थ जो कास्ट से है। यह लैटिन भाषा के जो कास्टम जो कास्ट का अत्यंत के निकट है जिसका जो विशुद्ध है अर्थ विशुद्ध है जिसका अर्थ विशुद्ध है जो इसकी जो सदस्यता निर्धारण का जन्म से होती है न कि चयन से। इसकी जो सदस्यता होगी हमारी जो जन्म से होगी, चयन करने से नहीं कि मैंने अपने जो अभी अपने चेंज कर लिया उससे नहीं। कर्म का सिद्धांत क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ द कर्म। कर्म का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति किसी प्रकार काम करता है उसी प्रकार का जो फल प्राप्त होता है उसे। वस्तुतः कर्म के सिद्धांत के माध्यम से समाज व्यक्ति को गतिविधि को नैतिकता के दायरे में लाने का प्रयत्न किया गया। हालांकि कालांतर में वर्ण व्यवस्था सती प्रथा जैसी समाज की जो सामाजिक कुरीतियों को जो सिद्धांत के आधार पर वैध ठहराने का जो सफल प्रयत्न किया गया था कि जो उन्हें संस्कार क्या है हमारा व्यक्तियों को जो पवित्र योग्य बनाने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों और क्रियाकलापों को जो संस्कार कहते हैं। जो संस्कार का मूल जो शुद्धिकरण से है मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृतियों और जो संस्कृत व्यक्ति को जो समुदाय के पूर्ण रूप से योग्य बनाने से उद्देश्य से है जो मन और शरीर में स्थित समय पूरे पवित्र करने के लिए किया जाता है। वर्ण व्यवस्था समाज में वर्ण चार वर्णों में होता है विभाजित होता है। पूर्व वैदिक काल में कर्म आधारित किंतु उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित था। यह आश्रम व्यवस्था आश्रम सिस्टम से मनुष्य का जीवन चार वर्गों में व्यक्त होता है ताकि जो व्यक्ति का जीवन में समन्वय स्थापित किया जा सके। स्त्रियों में स्त्रियों और शूद्रों को जो आश्रम व्यवस्था में नहीं थी ये जो आश्रम व्यवस्था में थी स्त्रियां और शूद्रों के लिए आश्रम व्यवस्था नहीं था। समाज में भारतीय समाज की आधुनिक व्यवस्था कौन कौन सी है इसमें जो देखो वर्ग व्यवस्था है, जाति प्रथा का कमजोर स्वरूप है, जाति प्रथा भी है। तो यहाँ पे कार्य विशिष्ट के लिए बजाय जो बहुलता पर बल दिया जाता है, भौतिकता को प्रधानता है, भौतिक चीजें नैतिक शिक्षा है,
और जो नैतिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आध्यात्मिक जो आध्यात्मिकता का हर्ष, एकल परिवार है, तो मॉडर्न फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये सारे जो मन व्यस्त कास्ट सिस्टम। जब कोई व्यक्ति किसी निर्धारण के लिए व्यक्तिगत गुणों और जो आय, शिक्षा, आय, व्यवसाय और जो आवास की दशा में आदि के दरबार पर जो आधार पर समाज में स्तर जो विभाजन के लिए प्रणाली की व्यवस्था को नाम से जानी जाती है, कार्य विशिष्टता के कारण बजाय की कार्य बहुलता। कार्य विशिष्टता अर्थात जो समाज के निश्चित समूह या तो जाति द्वारा किसी कार्य विशिष्ट के लिए की गई परंपरा है। कार्य बहुलता अर्थात किसी व्यक्ति, वर्ग, जाति अथवा अपनी इच्छा के अनुसार, योग्यता के अनुसार किसी कार्य करने की जो स्वतंत्रता होती है। कार्य बहुलता के लिए किसी कार्य करने को करने अथवा जो नहीं करने का विकल्प उपलब्ध होता है, जबकि कार्य विशिष्टता के कारण जो किसी कार्य करने वर्ग करने के लिए निश्चित कर दिया जाता है कि बाध्य कर जाता है कि तुम ये हो, तुम धोबी हो, तुम धोबी कपड़े धो, ठीक है, जबरदस्त, लेकिन मन वस्ता नहीं हो तो तुम ही धोने का, ठीक है ना। यह बाध्यता जो सामाजिक स्तर पर होती है, जो धार्मिक कार्यों के आधार पर जो वैध कराने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये मैंने समझाने का कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं देखो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है। जहाँ तक आपने पहुँचाया 750 के आसपास प्लस जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखो कि यही से क्वेश्चन बनता है, और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सिक्स का, चाहे टेंथ का, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, और चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं क्वेश्चन यहीं से बने हुए हैं, और पीछे में मैंने कई जो आपको बार बार कहने से कुछ नहीं होता, जो एग्जाम्पल दे दिए हैं कि यहीं से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, पूरी क्लास से बनते आ रहे हैं, चाहे आपका एडमिशन सीबीएस हो, अभी जो एग्जाम हुआ इससे पहले आपका यूके पीसीएस से भी क्वेश्चन बने।